उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 नामों की लिस्ट जारी की है। ये नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील विश्नोई, अश्वनी त्यागी, डॉक्टर धनवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी। इन नामों से परिचय कराएंगे, लेकिन पहले बिहार भी हो आते हैं जहाँ होने हैं विधान परिषद उपचुनाव 2 सीटों पर। इनमें से एक सीट के लिए भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी होंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब हुसैन चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, 2019 में चुनाव नहीं लड़े, अब MLC चुनाव के साथ फिर मैदान में हैं। अब चलते हैं वापस यूपी। कुल 12 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। 15 जनवरी को 4 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई थी। ये 4 नाम थे यूपी के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व IAS अरविंद शर्मा और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण आचार्य। अरविंद शर्मा 14 जनवरी को ही BJP में शामिल हुए हैं। अब आए हैं ये 6 और नाम जिनके बारे में अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था। गोविंद शुक्ला पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, सलील विश्नोई पूर्व महामंत्री हैं, कानपुरिया नेता हैं, अश्वनी त्यागी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ मानी जाती है, धनवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश शासन में माटी कला बोर्ड में अध्यक्ष हैं। 12 सीटों पर 28 तारीख को वोटिंग। राज्य की 12 विधान परिषद सीटों के लिए 28 जनवरी को मतदान होना है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी है। जिन 12 सीटों पर चुनाव होने हैं उसके मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और लक्ष्मण आचार्य के अलावा विधान परिषद के सभापति रमेश यादव प्रमुख हैं। 100 सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सपा के 55, भाजपा के 25, बहुजन समाज पार्टी के 8 और कांग्रेस और निर्दलीय समूह के 2-2 और अपना दल और शिक्षक दल के 1-1 सदस्य हैं। इनके अलावा विधान परिषद में 3 निर्दलीय सदस्य भी हैं। सीटों का गणित। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा में वर्तमान में 402 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के 310, सपा के 49, बसपा के 18, अपना दल सोनेलाल के 9, कांग्रेस के 7, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4, निर्दलीय 3, राष्ट्रीय लोकदल का 1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल निषाद का 1 सदस्य है। भाजपा के साथ अपना दल सोनेवाल का गठबंधन है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। क्या अंतर है भारत के और विदेश के हायर एजुकेशन सिस्टम में और कैसे लाया जा सकता है इसमें बदलाव?